तो जो भारी भारी है, वो इन पर भारी है। सड़क दो दिल्ली में महाराज रविदास जी की जयंती रुकवाने का काम करा था, और यही वो इमरान मसूद है जो बहन जी के खिलाफ एक तरफा बयान दे देते कि ये पैसे की देवी है। हाथी की जो भूख है वो बढ़ चुकी है, बढ़ते बढ़ते क्या हो, दलित भी बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ता जा रहा है। नूर मलिक की काउंटिंग 1 लाख से स्टार्ट हो रही, नूर मलिक की काउंटिंग 1 लाख से स्टार्ट हो रही है। हम लोगों के साथ लड़ते मरते भी रहे, और जी इनका क्या है, चुपचाप बैठे हैं वहां से। 10 लाख रुपए देगा भाई टूटी कट के, अपने हाथी बना के खड़े कर लिए, अपने दौलत अपने भाई भतीजे दौलत वाले बना दिए, इनसे मारे को कंगाल बना दिया, इन्हें बनाया जा दलित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर नगर निगम के गांव मवी कला में मौजूद हूं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन लोगों के दिल में क्या है, इनके मन में कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये वोट देंगे, भाजपा को ये लोग पसंद करते हैं, सपा को ये लोग पसंद करते हैं, बसपा को ये लोग पसंद करते हैं, या फिर ये लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। सर शुरुआत हम आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? अकिल मलिक है जी। अच्छा अकिल मलिक जी, यहाँ पर क्या माहौल है, क्या आप लोगों के मन में मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने के लिए जा रहे हैं? मुद्दे तो जी हमारे यहाँ विकास का मुद्दा सबसे पहले, और हम वोट जो है ना समाजवादी को देंगे एक तरफा। इमरान मसूद को हम वोट देगा, इमरान है कौन हम तो जानते भी नहीं, इमरान है कौन, आता हुआ किसी का बड़े बड़े घेरों में हमारे यहाँ तो हमें पता नहीं इमरान, अरे छोटे जनता पर तो वोट मिलेगा, बड़ा जनता पर तो मिलेगा वोट, अरे इमरान तो हम जानते भी नहीं है कौन, हम तो आसू मलिक को जाना है, समाजवादी मुलायम सिंह को या अखिलेश यादव को, वही हमारे छोटे नेता है, छोटों की बात सुनने वाले नेता है, बड़ों की बात तो वही सुनेगा इमरान मसूद, जिनकी सुनते हो गए, हम नहीं इमरान को जानते कौन इमरान है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो चर्चाएं ये हो रही हैं कि मुस्लिम उनसे अब की बार खिसक रहा है। अब के जो है मुलायम सिंह को, अखिलेश को और आसू मलिक को भरपूर वोट, सभी बिरादरी का, अन्य सभी जो भी बिरादरी है सबका वोट मिल रहा है एक तरफा। इमरान मसूद का कहना है कि हमारे पास प्लस में दलित वोट है। हमारी गिनती जो है समाजवादी की जो गिनती है 1 लाख से स्टार्ट है। यार कोई कहो जा मेरी 2 लाख से या 5 लाख से, ये तो पहले भी चुनाव में उसने वादे करे थे कि मेरी इतनी से गिनती, फिर कहाँ रह जा जब इतनी गिनती है, इतनी गिनती होने से तो फिर तो जीत जाता हूँ, फिर जीतता क्यों नहीं, कहीं भी नहीं हो तो बस अफवाह बना रखे कि मेरे इतने वोट है, मेरे साथ हो फलाना सर समाज, कुछ नहीं है, उसे तो कोई जानता भी नहीं अच्छी तरह कौन इमरान है कौन नहीं इमरान है। दलित समाज तो वोट कर रहा है, मुस्लिम भी उनके पक्ष में जा रहे हैं, दलित दलित माए बहने भी खड़ी हैं, भाई दलित ही है, मैं तारपुर से हूँ, ये दलित है मई कला की, आप इनसे मालूम कर लो, दलित समाज भी हमारे साथ जुड़ा है। इमरान मसूद ने वहाँ देख लो दूधली में क्या करवाया था, चमारों की तो जयंती थी, बताओ निकलवाने दी थी जयंती को, वहाँ बंद करवाना काम करा, फिर वोट कौन दे देगा, दलित ही कहाँ से वोट दे देगा जब उनके साथ अत्याचार हो रहा, कहाँ से दलित दे देगा वोट उनको। तो भाजपा के पक्ष में आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारी इस सीट पर भाजपा का कोई नाम निशान है ही नहीं, यहाँ तो दो ही पार्टी चलो जाती है, अरब का तो जो है एक तरपाई साइकिल साइकिल चल ली, वो चली चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। अब वो तो जिक्र ये कर रहे हैं कि प्रत्याशी भी गाजियाबाद से लेकर आए हैं, गाजियाबाद का कहाँ का, ये तो यहाँ का हमारे देवबन का, ये तो कहो जाओ भारी भारी है, वो इन पर भारी है और कुछ नहीं है ना, जब भारी दिख रहा ना वो भारी है। वो तो ये कह रहे हैं कि देखो हम हाथी पर बैठे हैं, हाथी पर ऊपर बैठ कर हाथी पर बैठने के चले पैसे मिल लगे, और साइकिल तो आम गरीब जनता भी जो है साइकिल पर फिर चल भाई साइकिल धकाओगे, ना तेल गिरे ना कुछ गिरे, फिर में हो रहा काम, और हाथी पर तो पैसे लगे, वो बैठता इतनी ऊंचाई पर कहाँ धरती पर, तो हम चल रहे साइकिल पर, हाथी पर चले गए, हम तो साइकिल पर चलने वाले आदमी मजदूर आदमी। आपका क्या नाम है सर? हितेश कुमार जी। अच्छा हितेश कुमार जी, जिस तरीके से ये चर्चाएँ हो रही हैं, क्योंकि आपका ये गांव जो मवी कला है यहाँ पर दलित समाज की संख्या ज़्यादा है, तो जिस तरीके से ये चर्चाएँ हो रही हैं कि अब की बार चुनाव में दलित और मुस्लिम समीकरण बन रहा है, तो आपके गांव की स्थिति क्या है?
हमारे गांव की स्थिति भी है आल यूपी में, जैसे समाजवादी के समर्थन में दलित हो या मुस्लिम हो सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, उसी कड़ी में हमारा मविकला वार्ड में भी दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो सभी समाजवादी के साथ चल रहा है। क्योंकि चर्चाओं में आ रहा है कि अभी अभी नए नए नेताजी इमरान मसूद जी ने बसपा ज्वाइन की है, लेकिन ये दलित समाज वही है जिन्होंने सड़क दूधली में महाराज रविदास जी की जयंती रुकवाने का काम करा था, और यही वो इमरान मसूद है जो बहन जी के खिलाफ एक तरफा बयान दे देते कि ये पैसे की देवी है, तरह तरह के बयान दिए इसने, तो दलित समाज बिल्कुल नहीं भूलेगा। आज अपने वोट के चक्कर में सभी पार्टियों में इन्होंने चक्कर काटे हैं और आज बसपा में टिके हैं, देखते हैं कितने दिन टिकते हैं। और मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इनका एक आखिरी चुनाव होगा अपनी दामन बचाने के लिए, फिर अगला एक भाजपा ही बचती है कि भाजपा में जाएंगे। तो समाजवादी एक तरफा चल रही, चाहे वो मेयर की बात करें या पार्षद की बात करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा ही भी कह रहे हैं कि दलित समाज तो हमारे साथ है। देखिए भाजपा तो फिर कहूँगा कि अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते, झूठी पार्टी, तरह तरह के बयान देती, दलित मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है, तो फिर बुलडोजर केवल मुस्लिम समाज पे क्यों चलता है? अगर सर्व समाज की पार्टी है तो बुलडोजर एक ही समाज पे क्यों चलता है? जितने भी अपराधी के भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो वॉशिंग मशीन है कि अगर कोई अपराधी वहाँ पे चला जाए तो वो दाग उस पर मिट जाता है, तो कैसे माने कि वो सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज का समर्थन भाजपा को मिल रहा है? एक अखिलेश यादव ये है कि जो पूरी यूपी में दंगों के ऊपर उत्पीड़न के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, और एक ऐसे हैं कि दबे बैठे हैं, पता नहीं उनका उन्होंने कौन सा गुनाह कर रखा है कि भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते। इमरान मसूद तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि देख लेना अब की बार 1 लाख से हमारी जीत होगी। देखिए उन्होंने एक चीज भरे की हर चुनाव में सुनते हैं वो कि मेरे पास 10,000 है, 5,000 है, फिर वो जीत क्यों नहीं दर्ज कराते? पिछले 3-4 चुनाव से हारते क्यों है? कहते हैं मेरे 5,000 है, 10,000 है, दलित मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है, लेकिन जीत में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? तो ये भी आखिरी इनका जो एक कैसेट बजाते हैं कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, ये भी हट जाएगा उनका दावा। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हमारा मुद्दा विकास का रहेगा, विकास हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, और सबसे पहले सर्व समाज को साथ लेकर एक भाईचारा कायम करने का हमारा मुद्दा रहता है। जब सबका भाईचारा कायम होगा तो विकास भी होगा और एक अच्छा वातावरण वार्ड में बने, प्रदेश में बने, सहारनपुर में बने। इसके लिए भाई नूर मसन जी को हम अपना मेयर बनाने जा रहे हैं और सहारनपुर नगर निगम में अपना मेयर समाजवादी का होगा, जिससे कि विकास की लहर पूरे सहारनपुर में बहेगी। ये तो स्मार्ट सिटी है, आपका गांव भी इसी में है, तो आपका गांव स्मार्ट नहीं हुआ क्या? देखिए नगर निगम में जब से हमारे 32 गांव हैं तो 32 गांव बदहाल हैं और टैक्स पूरा शहर के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं, और अगर शहर की बात करें सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, गड्ढे में तब्दील है। तो ये कहने की बात है कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसके लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपके पास में पानी से जल भरा इतना भरा पड़ा है कि मच्छर के कारणों के यहाँ बीमारियां आई पड़ी हैं। बगल में ही शमशान घाट है दलित समाज का, ऐसे ही पड़ा सड़कों पर अंतिम संस्कार करने के लिए दलित समाज मजबूर है, जिसके लिए हमने नगर निगम में इतने चक्कर काटे कि एप्लीकेशन का अंबार लगा हुआ है, किंतु आज तक एक शमशान घाट का निर्माण नहीं करा पाए। और पानी की निकासी की भी यही हालत है कि पानी पूरे घरों तक आ गया है, मकान गिरने के लिए तैयार है। प्रत्याशी भले ही कोई भी हो, आपकी नाराजगी भले ही हो, आप दलित समाज से हैं, लेकिन प्रत्याशी तो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, और बहन जी तो फिर नाराज हो जाएंगी। देखिए बहन जी नाराज हो या ना नाराज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के बीच का अगर प्रत्याशी हो तो सबका समर्थन मिलता है, लेकिन आज हाथी की सवारी करना एक बहुत बड़ा मकसद हो गया। हाथी की जो भूख है वो बढ़ चुकी है, बढ़ते बढ़ते क्या हो, दलित भी बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ता जा रहा है। चूँकि अगर बात करें इसकी वार्ड पर, बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रत्याशी नसीम अहमद की वाइफ रही है, क्या नाम है भैया, महराज, उन्होंने बुरा दलित समाज ने उनको सपोर्ट किया था, मुस्लिम समाज ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन आज क्या आ रहा है, वार्ड नंबर 11 में वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रही है। तो मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की एक नीति को भी चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या उनका निष्कासन करेंगे? आज भी बहुजन समाज पार्टी में टिके हुए हैं, तो एक दोगलापन जो है बहुजन समाज पार्टी के जिला स्तर के नेता कर रहे हैं, ये पार्टी को उन्होंने खत्म कर चुके हैं, और धीरे धीरे दलित समाज ही अपना रास्ता अलग, जहाँ से उनका फायदा हो तो वहाँ पर जा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? गुलबहार मलिक। अच्छा गुलबहार मलिक, आप तो मलिक समाज से हैं, तो आप तो नूर हसन मलिक की ही बात करेंगे या आपके मन में भी बसपा है? नहीं नहीं, सबकी बात करेंगे हम जनता 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। जब 5 साल हमारे यहाँ से, जब 2017 में नगर निगम का चुनाव हुआ, जहाँ बहुत बड़े वादे किए गए थे, उसके बाद यहाँ सब वादे खोखले साबित हुए। नगर निगम में मेयर भी बीजेपी का बन गया था, ये 32 गांव की बदहाली आज तक दूर नहीं हो पाई। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ लूटा जा रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। और अब उससे जो है ये आपको
दिख जाएगा चारों तरफ वार्ड के हमारे पानी भरा हुआ पड़ा है, चारों तरफ पूरा वार्ड बदहाल है, किसी ने सूद लेने का काम नहीं किया, लाइट का बुरा हाल है। एक माननीय विधायक आसिम मलिक साहब ने 32 गांव का मुद्दा सबसे पहले मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम किया था और आज उनकी ये मेहनत रंग लाई, हमारे पूरे 32 गांव में खंभे आ चुके हैं और आसिम मलिक साहब हमारे यहाँ से बहुत बड़े नेता है, जिन्हें हमने 40 साल के राज जिन्होंने 40 साल राज किया है, उन 40 साल में हमें कुछ देने का काम नहीं किया। विधायक आसिम मलिक साहब जब यहाँ सहारनपुर में आए, उन्होंने चाहे जो आउटर की कॉलोनियाँ थी उनको जो है विकास कराने का काम किया। आप तो नूर हसन मलिक की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद के पास तो समीकरण है, दलित और मुस्लिम समीकरण है, आपके पास क्या है? देखिए इमरान मसूद जो दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दलित मुस्लिम का समीकरण अब जो है नूर मलिक के पास है, इमरान मसूद के पास नहीं है। अब जो झूठे वादे कर रहे हैं दलित मुस्लिम जो नहीं चलने वाला, क्योंकि अब नूर मलिक की काउंटिंग 1 लाख से स्टार्ट हो रही, नूर मलिक की काउंटिंग 1 लाख से स्टार्ट हो रही है और ये आपको 13 तारीख की जब काउंटिंग हो आपको ये पता लग जाएगा कि आसिम मलिक सब पे भारी रहा। चलिए तो यहाँ पर ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं इनका कहना है कि नूर हसन मलिक सब पर भारी पड़ जाएंगे, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम विक्रम सिंह है जी, लेकिन वहाँ का जो व्यवहार है इन लोगों का और जितनी भाजपा पर ठेस पहुंचाई इन लोगों ने, सबसे ज़्यादा ये तो कहे भाजपा को और उसे, भाजपा हमारे लिए ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं अपने वाले, इन चमारों को मरवा रहे हैं ये बसपा ही, बसपा मरवा रही, वह तो बैठी अपना भाँसियो और ये नीचे नीचे से ले लेकर खा रहे हैं घरों में हमारे सौदे कर रहे हैं, हम लोगों के साथ लड़ते मरते फिर हैं और जी इनका क्या है, चुपचाप बैठेंगे वहाँ से, कह 1 लाख रुपये देगा भाई तू टिकट के हमारे बारे आई, कम जीप तो हमें थारा सहयोग जो बढ़ना चाहिए, भाई हमारी पार्टी है गरीब आदमी है, पार्टी की तरफ से हम तुझे सहयोग करेंगे, ये सहयोग क्या करेंगे, तेरे पास 1 लाख रुपये आया भाई, हम गरीब आदमी को तो वैसे दबाए जा रहा, भाजपा को तो कहे ही है, आप लोग तो वोट ये दबा रहे हैं हम, आप लोग तो वोटर हैं तो ये बात आप ऊपर तक क्यों नहीं पहुँचा, ऊपर तो बस ये आप लोगों के जरिए जागी, हमारी आवाज़ नहीं जाती वैसे, अब यो मैसेज जो है फैल लगा देखेंगे कहेंगे वह सोचेंगे इस बारे में, यानी हमारी आवाज़ तो दबरी वहाँ तक जाती भी नहीं है और ज़्यादा मुँह काट देते हैं लोग तो कहीं भी पिटवा सिटवा सके हैं। आपका क्या नाम है भैया? अंकित कुमार। अच्छा आपके मन में कौन है अंकित जी? मन में है सभी पूरा समाज जो है समाजवादी के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ विपक्षी दल चाहते हैं कि साइकिल को पछाड़ दिया जाए, तो उनके लिए मेरा एक ही है, अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की तो हमें भी जिद है अपना आशियाना वहीं बनाने की, एक तरफा वोट एक एक वोट पूरे गांव का समाज का समाजवादी पार्टी पे जाएगा। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दलित भी हैं और मुस्लिम भी हैं और जिस तरीके से बात हो रही है कि अब की बार दलित और मुस्लिम समीकरण बन रहा है और वो बसपा के पक्ष में जा रहा है, आज इस मुद्दे पर ही हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसे वोट कर रहे हैं जी? साइकिल को देंगे। साइकिल को? हाथी को क्यों नहीं दे रहे? हाथी को नहीं दे रहे, हाथी को नहीं दे रहे, हाथी को नहीं दे रहे, जितने शुरू में बने थे मायावती सब सरकार ने चक तार दी थी, वह सरकार बन गई थी, जितने शुक्र मिल में नौकर थे वह घर बैठा दिए, जितने नौकर वैसे थे उन्होंने झंड कर का बैठा दिए थे, कौन देता का सो वोट, कौन देगा सो वोट, कर दो भुक्के मारने सोच रही, अपने हाथी बना के खड़े कर लिए, अपने दौलत अपने भाई भतीजे दौलत वाले बना दिए, इन चमारों को कंगाल बना दिया, इन्हें बना दिया दलित, तो साइकिल को नहीं देंगे अपनी मर्जी तो वोट। अच्छा तो भाजपा को क्यों नहीं दे रहे? नहीं देते हैं मर्जी मेरी, यह भी कोई जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं है, जैसा हमारा मन चाहेगा उसे देंगे। तो आपके मन में साइकिल है? हाँ साइकिल है, बिना तेल के चले सब बात है, हाथी बहुत बड़ा सोने का बनाया का खड़े कर दे, हमारे क्या का माए बता, कितने सोने का बनाया खड़े कर रखे उनने, दिए उनने कुछ गरीब को। आपको रहने का स्थान तो मिला? किसे? हमें नहीं दिया है किसी ने, हमें दे सकती वहाँ हमारी उकटी फिर जो घर है उनका भी टैक्स लेते हैं, मकानों का भी बता, बिजली का बिल तो था ही, मकान जो खुद बनाया कर रहे थे उसका भी किराया, पानी का भी किराया, नल के अपने गाड़ लिए पानी उस मोल का पी रहे। आपका क्या नाम है जी? गुड्डी।
अच्छा जी, तो आप किसे वोट कर रहे हैं अबकी बार? जी मैं तो प्रशासन के उसमें समाजवादी की तरफ से खड़ी हुई। अच्छा, ठीक है जी, ये सारी महिलाएं सब मेरी साथ हैं। अच्छा, आपका चांस मिला तो जब इसमें समाजवादी में आ गई मैं तो सबका सहयोग मिला मुझे। अच्छा, तो यही विकास के मुद्दे हैं, सभी अपनी बहनों के साथ हैं, इसलिए मैं इसमें खड़ी हुई। चलिए, तो आप देख सकते हैं सहारनपुर नगर निगम का ये गांव मविकला है और यहां पर दलित और मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा थे जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।